और अभी बात करते हैं पिंडी बॉय की, जो कहते हैं कौमी असेंबली में फिर कोई मसला पैदा हो सकता है। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया, कहते हैं खामोशी मरियम नवाज का मुकद्दर, नवाज शरीफ के आने में ताखीर हो सकती है। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि कौमी असेंबली में फिर कोई मसला पैदा हो सकता है क्योंकि अददी फर्क बहुत कम है। तहम कौमी असेंबली से ज्यादा सेनेट में वोटिंग आसान है क्योंकि माजी में अपोजिशन को सेनेट में 14 निश्चितों से शिकस्त हुई थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के आने में ताखीर हो सकती है। नवाज शरीफ बाहर बैठकर वैसे ही देखेंगे जैसे सऊदी अरब को देखते थे। मरियम नवाज की जानिब से किसी रद्द अमल पर विफाकी वजीर का कहना था कि मरियम नवाज खामोश हैं और वो खामोश ही रहेंगी क्योंकि खामोशी मरियम नवाज का मुकद्दर है। अपोजिशन के हवाले से वजीर रेलवे का कहना था कि मेरा ख्याल है कि पैसे लेकर उन्हें जाने देना चाहिए, तहम ये मेरी सोच है, फैसला वजीर आजम इमरान खान नहीं करना है, मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि मौलाना इस्तीफा लेने आए थे लेकिन उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि दुनिया में कैद काटना आसान है लेकिन धरना देना ज्यादा मुश्किल काम है। शेख रशीद का कहना था कि हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं। पीपल्स पार्टी में कमर जमान कायरा और लतीफ खोसा समेत चंद एक अच्छे चेहरे हैं। जिंदगी में आसिफ अली जरदारी से सिर्फ दो बार मिला, एक बार इसलिए मिला कि राजा परवेज अशरफ की जगह कमर जमान कायरा को वजीर आजम बना।